हेलो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 5 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें गांठ बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे नॉट लगाना है। अब हम यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए इस चैन में हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन कर देना है। देखिए ऐसे हम गोल कर देंगे इसे। अब यहाँ पे देखिए हमें डबल क्रोशिया के फंदे बनाने हैं। देखिए इस तरह अब 2 चैन बनाएंगे, 1 2। अब फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया के फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जाली बनानी है, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ पे हम डबल क्रोशिया के फंदे बनाएंगे, 2 चैन, फिर 1 फंदा, 2 चैन, देखिए यहाँ पे हम ये फंदा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदा यहाँ पे हो गया है। अभी 1 फंदा हमें यहाँ पे और बनाना है। हमें यहाँ पे 10 फंदा चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 10 फंदा हो गया। 2 चैन बना के हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे से हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से ये बना है। अब देखिए इस जाली में हमें फंदा बनाना है, तो यहाँ पे हम ऐसे क्रोशिया को ले आएंगे, देखिए धागे को। अब यहाँ पे हम 5 फंदा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए हमें यहाँ पे इस फंदे में 5 फंदा बनाना है। देखिए इस तरह से हम इसे ऐसे घुमा देंगे, इस साइड से ऐसे हुक डाल के, ऐसे यहाँ पे भी हम 5 फंदा बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये दिख रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे इस जगह पे ऐसे उगडालना है। देखिए यहाँ पे बीच में, ये बीच में हम हुक डाल के इस साइड में ऐसे निकालेंगे, देखिए इस जाली में। देखिए ये इस तरह से है ऐसे। इसकी इस नेक्स्ट जाली में हम यहाँ पे ऐसे बीच में हुक डालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हमें 1 फंदा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 1 फंदा बनाने के बाद हमें इस फंदे में 5 फंदा बनाना है। देखिए यहाँ पे इस फंदे में, तो इसे हम ऐसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे घुमा के इसमें हम 5 फंदा बनाएंगे, 1 2 3
चार पांच, देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पे पांच फंदा बनाना है इस जाली में, देखिए यहाँ पे ऐसे हुक डाल के यहाँ पे भी हम पांच फंदा बनाएंगे। एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे इस फंदे में यहाँ पे हम पांच फंदा बनाएंगे, देखिए इस साइड से ऐसे उड़ा लेंगे, एक दो तीन चार पांच। देखिए इस तरह से ये बन गया। अब देखिए हमें यहाँ पे ऐसे हुक डाल के इस जाली में एक फंदा बनाना है। देखिए यहाँ पे ऐसे बीच में ऐसे हुक डाल के यहाँ पे इस जाली में एक फंदा बनाएंगे। अब हम यहाँ पे इस फंदे में पांच फंदा बनाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे घुमा के हुक को हम इस साइड से ऐसे डालेंगे, एक दो तीन चार पांच। देखिए इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हमने फंदा बना लिया है। अब इस जाली में हम पांच फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे इस फंदे में हम पांच फंदा बनाएंगे, हम हुक को इस साइड से ऐसे डालेंगे और इसमें हम पांच फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। देखिए इसके इस नेक्स्ट जाली में हम यहाँ पे से देखिए इस साइड में यहाँ पे से उठालेंगे, यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे, एक। अब यहाँ पे हम पांच फंदा बनाएंगे, तो ऐसे हम इसे घुमा लेंगे और हुक को हम इस साइड से डाल के इसमें हम पांच फंदा बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। अब यहाँ पे इस जाली में हम पांच फंदा बनाएंगे, इस फंदे में हम पांच फंदा बनाएंगे, इस साइड से ऐसे हुक डालेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हम इसे जॉइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स फ्लावर बन गया है। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए अब इसे हम यहाँ पे सुई धागे से सिल देंगे। देखिए धागा हम कट करेंगे। देखिए इतना बड़ा धागा हम यहाँ पे ऐसे कट कर लेते हैं। इसी धागे से हम यहाँ पे बीच में सिलाई कर देंगे। अब देखिए धागे को हम ऐसे पीछे से करते हुए से हम नीचे ले आएंगे। देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी बटन या फिर मोती लगा सकते हैं। देखिए मैं ये वाला बटन ऐसे लगा दूंगी यहाँ पे। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे लगा सकते हैं। इसे आप कहीं भी लगा दीजिए, चाहे ऐसे बीच में लगा दीजिए या फिर ऐसे साइड में लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।